दिस टाइम आई विल बी टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, हमें क्यों लेना चाहिए, हमें क्यों नहीं लेना चाहिए. बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. वो एनर्जी रिलीज करता है. हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, पूरा दिन का कोई भी फिजिकल काम है, तो उसके लिए वी नीड एनर्जी और वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. हमें रात को क्यों मना करते हैं, हमें सुबह ही क्यों खाना चाहिए, हर एक चीज के पीछे एक पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा. अब सुबह हमें कार्बोहाइड्रेट्स क्यों लेना चाहिए. अब फर्स्ट थिंग, आप रात को सोए हैं, सोने के बाद जब आप सुबह उठते हैं ऑलमोस्ट 7 to 8 hours आपकी नींद हुई है, तो आप स्टार्वेशन मोड में होते, आपने कुछ खाया नहीं, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, यू नीड एनर्जी एंड यू नीड प्रोटीन फॉर द मसल रिकवरी, राइट. सो आपका पहला जो मील है उसमें आपको प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से लेना है, बिकॉज यू नीड एनर्जी. तो आप जैसे कार्बोहाइड्रेट लेंगे मॉर्निंग के टाइम में, यू विल बी एबल टू डू ऑल योर वर्क विद फुल ऑफ एनर्जी. अब जैसे ही दिन जाता है, मॉर्निंग, नून, इवनिंग एंड नाइट, वैसे ही आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम होता जाता है, बिकॉज आपकी एनर्जी अब जो यूज करने वाले हैं वो भी कम हो जाएगी. जैसे ही इवनिंग आता है, नाइट आता है, आपकी एनर्जी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है. एंड कार्बोहाइड्रेट बेसिकली दो चीज के लिए काम आता है. आइदर वो एनर्जी रिलीज करता है जो हम यूज कर लेते हैं, और जब वो एनर्जी यूज नहीं होती है तब उसका दूसरा काम है फैट बर्न जाना. अब गाइज, रात को गाइज आई वॉज टेलिंग, कार्बोहाइड्रेट्स दो चीज में यूज होता है, आइदर वो एनर्जी रिलीज करेगा या फिर वो फैट बन जाएगा. अब रात को हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते जिससे हमारी वो एनर्जी यूज हो, तो दूसरा क्या बचा, फैट. तो वो बॉडी में फैट जाके बन जाएगा, एंड दैट फैट आफ्टर अ कपल ऑफ डेज वो स्टबन फैट हो जाता है, डे बाय डे बहुत स्टबन हो जाता है. बाद में आप कितना ही ट्राई कर लेते हैं, क्रैश डाइट करते हैं, वो स्टबन फैट नहीं निकलता है. जैसे कि बहुत से लोग हैं, इवन मी, हम जैसे कि आज से 7-8 साल पहले हमारा जो वेट था, हमारे आई एम टॉकिंग अबाउट द ओबेस पीपल जो बहुत वेटेड है या वेटेड थे, उनका एक वो स्टबन फैट है वो तो निकल ही नहीं पा रहा होगा. जो रिसेंट है 1-2 साल पहले आया था वो तो निकल गया, बट वो स्टबन फैट है लाइक जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, दैट इज द बेली फैट, लोअर फैट, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है वो स्टबन फैट. वो क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. सो गाइज, ठीक है, हमने जो पहले फॉलो किया, जो भी किया, गाइज वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. हम ऑलरेडी हम कोशिश कर रहे हैं स्टबन फैट को निकालने की. तो अब हमें क्या करना है, चाहे आप गेनिंग मोड में हो या आप लीन हो रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, गाइस कुछ भी हो जाए, आपको रात को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना है. आप सलाद ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप, आप दही आप ले सकते हैं. दही प्रोबायोटिक है, दैट विल हेल्प यू इन द डाइजेशन. सो गाइस, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि मॉर्निंग में, आफ्टरनून में इफ यू वॉन्ट टू टेक कार्ब्स यू कैन एंड यू शुड, और रात को आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने हैं, मतलब नहीं लेने हैं. जस्ट कीप दिस इन माइंड, ये आपको ही हेल्प करेगा और आपको ही रिजल्ट मिलेगा. बैक टू होम गाइज, आई वॉज सो एग्जॉस्टेड, मेरे को घर पे आके 1 घंटा सोना पड़ा. राइट नाउ आई हैव टू गो फॉर माई ट्रेनिंग, शोल्डर, लेग्स एंड कार्डियो प्लस एब्स है मेरा. आई जस्ट हैड माई ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी एंड माई प्री वर्कआउट. गाइज आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग. दिस इज द एंटम फर्स्ट टी शर्ट दैट आई लॉन्च्ड इन द बिगनिंग. अगर आपने नहीं देखा है तो आगे फ्रंट पे एंटम लिखा है. दिस इज द
फर्स्ट टी शर्ट जो एंटा में सबसे पहली बार आई थी। अगेन दिस कलर इज कमिंग अप, स्काई ब्लू कलर विथ 3D प्रिंट, यू कैन सी। इट विल बी लॉन्च इन द नेक्स्ट वीक। आप अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं एंटम को, आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। इफ़ यू आर नॉट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, डू क्लिक ऑन इट। सी यू इन द जिम। Jack it up.